नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी मलाई पुआ। पर आज इसमें मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें कोकोनट पाउडर और पनीर का इस्तेमाल करने वाले। इसको स्वाद और टेक्सचर देखने का बिल्कुल वही है जो मलाई पुए को होता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। पानी में 2 कप ही हम चीनी ऐड करेंगे। 1 कप चीनी और ऐड करेंगे, यानी कि इसमें 2 कप पानी और 2 कप चीनी हमने डाल दिए और इसकी हम चाशनी बना कर तैयार करते हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं 8 से 10 ये केसर के धागे। अगर केसर ना हो तो स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या है, थोड़ा कलर और फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा हमारा। अभी पकने देते हैं। आइए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अपनी चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी सी उंगली पर लेके ये थोड़ी सी मतलब इसमें थिकपन हल्का सा आ गया है। इसका मतलब ये कि चाशनी हमारी परफेक्ट बनकर तैयार है। बस अब हम गैस अपनी ऑफ कर देते हैं। ये मिक्सी का जार ले लिया है हमने, ये इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर। ये 1 कप मेरा कोकोनट पाउडर है, जो मिनिमम चाय पीते हैं वही कप से मैंने मेज़र किया है। इसी का 1 कप मैंने ये पनीर ले लिया है। लगभग ये हमारा 1 कप कोकोनट पाउडर है, तो लगभग 50 से 60 ग्राम करीब ही हमारा पनीर होगा। ये हमने 1 कप आटा ले लिया है इसी कप से, जिससे हमने पनीर और कोकोनट पाउडर लिया था। और ये आटा बाइंडिंग का काम करेगा, और ये नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। अब इसमें ये दूध डाल के मैं इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और दूध आप थोड़ा थोड़ा कर ही डालें। ये हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इसमें मिनिमम मेरा 1.25 कप करीब दूध चला गया, यानी आधे कप से ज़्यादा दूध इस्तेमाल हो गया। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, ना ये थिक है ना ये हमारा पतला है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन में हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें छोटी सी एक बूंद डालेंगे, पता करेंगे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये पुए हम डालेंगे इसमें, और साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कट रख सकते हो। और मैं ये मीडियम साइज के ही बना रही हूँ, और इसमें देखिए मैं 3 से ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो उनको देसी घी में भी बना सकते हो। ये मैंने इसमें 3 पुए अपने डाल दिए हैं, और गैस की फ्लेम को लो कर ही हमें इनको सेकना है। अब देखिए थोड़ा सा ये सिक चुका है, और इसमें हमें ज़्यादा नहीं केवल 2 या 3 ही सेकने हैं। और आप देख सकते हो कितने पतले पतले सिक्के तैयार हो रहे हैं। मैं इनको पलट देती हूँ, और आप देखिए कितने अच्छे से कलर आया है, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट, और इनको मैं सेक लेती हूँ। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। इनको मैंने निकाल लिया है। अब ये जो चाशनी हमने बना के रखी इसमें इनको हम डाल देंगे, और ये थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे जिससे कि इन पर चाशनी अच्छे से कोट हो जाए। ये मेरे सारे सिक्कर तैयार हैं, ये सारे मेरे चाशनी में हैं। आइए हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। थोड़े से हम इसमें ये गार्निश कर दिए थे, ये मैंने बादाम कट कर लिया था बारीक, और ये कुछ पिस्ते के पीसेस हैं। और आप देख सकते हो ये इतनी महंगी जो मिठाई हमारे मार्केट में मिलती है, और ये हमने कुछ ही खर्चे में ये हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो इसमें ये चाशनी में आपको दिखाती हूँ ये, और मैं आपको इसको तोड़कर भी मैं इसको आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से। देखिए अब देखिए कितनी रसीले बनकर हमारे ये मलाई पुआ बनकर हमारे तैयार हैं। अगर मलाई पुए की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
oldies, brothers my guys. Know that we fly, know that they ride.